वेलकम टू द रेड रूम। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहाँ तुम्हारा डीपेस्ट फियर एक रियलिटी में बदल जाए, जहाँ ह्यूमैनिटी की लाइन वायलेट हो रखी हो, जहाँ तुम्हें अपने लव्ड वन को बचाने के लिए अपना हर रोज सैक्रिफाइस देना पड़े। ये स्टोरी एक भाई उत्सु की, जहाँ उसने अपनी बहन यूमी को बचाने के लिए अपना हर रोज सैक्रिफाइस दिया। वो अपना फ्लैश हर रोज अपनी बहन को खिलाता था क्योंकि उसकी बहन एक मॉन्स्टर बन चुकी थी। स्टोरी स्टार्ट होती है यूमी से, जो अपने भाई से मिलने उसके क्लासरूम में जाती है और उसको कहती है कि चल घर साथ में चलते हैं। युत्सु उसे कहता है कि बहन तू चल मैं आया, मेरा वेट कर लियो पार्क के पास। यूमी घर जा रही होती है बट उसे एक मिस्टीरियस औरत मिलती है जिसका नाम होता है मारिया। मारिया उससे कहती है घर जा रही हो क्या? यूमी कहती है हाँ। मारिया उसको रेड बटरफ्लाई दिखाती है और यूमी वो देखती रहती है। झाड़ियों से कुत्ता बाहर आता है जिसके मुंह से एक इन्फेक्शन स्प्लिट आउट होता है और यूमी पे अटैक कर देता है। युत्सु जो यूमी का बड़ा भाई है, जब वो भी घर की तरफ जा रहा होता है तो उसे यूमी पड़ी हुई मिलती है रोड पे। वो देख के घबरा जाता है और यूमी को उठाता है। एकदम से यूमी एक मॉन्स्टर में बदल जाती है एंड वहाँ के जितने भी आसपास के लोग हैं उनका फ्लैश खाने लग जाती है। यूमी का बड़ा भाई ये देख के दंग रह जाता है कि उसकी छोटी बहन के साथ अचानक से क्या हो गया। इसी टाइम हमें यूमी और उसके बड़े भाई का एक ट्रॉमेटाइज चाइल्डहुड के बारे में पता चलता है। हमें पता चलता है कि जो इन दोनों का बाप था वो इनकी माँ को खूब पीटता था एंड उसको पीटने के बाद ये अपने बच्चों मतलब यूमी और युत्सु को भी खूब मारता था एंड वो इस सब करके बहुत खुश होता था। डायवोर्स के बाद जो इनकी मदर थी वो भी यंग लॉन्डो के साथ घूमने लगी थी और उसने भी घराना बंद कर दिया था। इनका चाइल्डहुड ऑलरेडी बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज था एंड युत्सु अपनी छोटी बहन को एक मॉन्स्टर में देख के जो कि इंसानों को खा रही है वो खिला जाता है। उसको तभी मारिया आके मिलती है। मारिया उसको बताती है कि अब उसकी बहन यूमी उनके रिसर्च का पार्ट है एंड मारिया एक रिसर्चर है तो बेहतर रहेगा तू अपनी बहन को भूल जा। पर युत्सु मारिया को बताता है ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसको ऐसे नहीं छोड़ सकता। मारिया युत्सु कहते हैं कि दम है तो जाके बचा ले अपनी बहन को। युत्सु अपनी छोटी बहन यूमी के पास जाता है। यूमी उसको समझाती है कि भाई मेरे से दूर रहे, प्लीज मेरे से दूर रहे, बट जब वो उसके पास जाता है उसकी छोटी बहन उसको मार के खा जाती है। यूमी थोड़ी देर बाद अपने इंसानी रूप में वापस आती है। वो ढूंढती है कि उसका बड़ा भाई आखिर कहा। तभी मारिया उसे बताती है कि बेटा वो तो तू मार के खा गई। यूमी को ये चीज यकीन नहीं होती है एंड वो और ट्रॉमेटाइज हो जाती है। वो चिल्लाने लगती है, रोने लगती है अपने बड़े भाई के लिए कि कैसे जिस बड़े भाई ने उसके लिए इतना कुछ करा लाइफ में उसने उसी को मार दिया। बाद में दिखाया जाता है जो मारिया है वो युत्सु की बॉडी के पास जाती है उस पर एक्सपेरिमेंट करने पर युत्सु खड़ा मिलता है उसे। मारिया समझ आती है कि जो वायरस है उसने इसको भी इन्फेक्ट करा है, बट इस केस में युत्सु अपनी बॉडी हील कर सकता है। मारिया उसे मार के देखती है बट जहाँ घाव आते हैं युत्सु उस घाव को ऐसे हील कर लेता है। युत्सु मारिया से पूछता है कि तूने मेरी बहन के साथ क्या करा और ये हमें क्या हो रहा है। मारिया उसको बताते है कि तुम दोनों अब उसकी रिसर्च का पार्ट हो एंड ये मिस्टीरियस वायरस है जिसका नाम है पूपा। वो मारिया से वहाँ पूरा लड़ने के मूड में होता है बट मारिया उसको स्मार्टली आउटप्लेयर करती है ये बोल के कि तू अपनी बहन के लिए एक बेट है, वो और इंसानों खाए इससे अच्छा है वो तेरे को ही खा ले। तू तो अपना बॉडी पार्ट रीजनरेट कर सकता है तो तू अपनी बहन के लिए लाइफ बेट है ना, तू चाहेगा वो और इंसान को खाए, मेरे को मानने से क्या होगा, तू जा और अपनी बहन का खाना बन। एंड युत्सु यही करता है। युत्सु अपनी छोटी बहन से मिलने घर जाता है और उसकी छोटी बहन को बहुत भूख लग रही होती है तो युत्सु अपना फ्लैश अपनी बहन को खाने देता है। उसकी छोटी बहन उसकी पूरी चेस्ट खा जाती है, उसकी मतलब पूरा बॉडी पार्ट खाती रहती है एंड वो बस चिल्लाता रहता है और तड़पता रहता है। वो रीगेन कर सकता था अपने बॉडी पार्ट बट जब उसकी छोटी बहन उसके बॉडी पार्ट खा रही थी उसको इंटेंस पेन हो रहा होता है। मैंने तुम्हें थोड़ा मारिया के बारे में बताता हूँ। मारिया एक्चुअली ऐसी औरत है जिसको ना लोगों के इमोशंस क्या है वो समझ नहीं आते। ना उसे समझ आता था कि लोग हंस क्यों रहे हैं, ना उसे समझ आता था लोग रो क्यों रहे हैं। वो ना थोड़ी वियर टाइप की औरत थी। वो क्या करती है, युत्सु का स्पर्म सेल ले लेती है और मारिया का एग सेल ले लेती है एंड वो एक मॉन्स्टर चाइल्ड बनाने की कोशिश करती है। ये सब हमें उसके साथ जो काम करता है होतोकी वो समझाता है कि मारिया का करेक्टर क्या है। अब मारिया ना नहाने जाती है एंड होतोकी ना पीछे से देख रहा होता सब एंड मारिया को पता चल जाता कि ये साला मुझे देख रहा है। मारिया उसे बुलाती है कि छुप मत आ जा एंड होतोकी उसे बोलता है क्या मैं तुम्हारे दबा सकता हूँ। मारिया होतोकी को देखती है एंड होतोकी थोड़ा डर सा जाता है और कहता है जस्ट किडिंग, बट मारिया कहती है अगर तू दबा भी लेता तो कोई दिक्कत नहीं थी। ये होती है औरत, मारिया इज द औरत एवरीवन वांट्स। अब स्टोरी में एक चेंज आता है।
दोनों बहन भाई कहीं जा रहे होते हैं, इनको एक बंदा मिलता है सिगरेट पी रहा होता है। वो दोनों बहन भाई को किडनैप करके एक जगह लेके जाता है, बड़े भाई को बहुत मारता है उसकी छोटी बहन के सामने। उसकी छोटी बहन को बहुत गुस्सा आता है, वो भी बीच में कूद जाती है अपने बड़े भाई को बचाने। यूमी को चोट आ जाती है, पर जो उसका बड़ा भाई होता है वो उठ के जो उनको पीट रहा होता है सिगरेट वाला उसको पीट देता है। बट सैडली उधर बहुत बंदे थे। अब यूमी को एक चेयर पे बिठा दिया जाता है, बट उसको अपने बड़े भाई के पिटने की आवाज आ रही होती है। मॉन्स्टर फिर से एक्टिवेट हो जाता है, वो चेन तोड़ देता है, कुर्सी तोड़ देता है, उसकी आंखें भी येल्लो हो जाती है। उसके रास्ते में कई गनमैन आते हैं, पर वो सबको लाइन से मारती जाती है अपने बड़े भाई से मिलने, और अपने बड़े भाई को बचा लेती है। अगले दिन ये लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल के बैकयार्ड में हमें दिखता है कि जो यूमी है वो अपने बड़े भाई का फ्लैश खा रही है क्योंकि उसे भूख लगी थी। अब लास्ट एपिसोड में हमें इन दोनों के ना बचपन का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ यूमी अपने बड़े भाई उतुत्सु से कहती है कि मेरा ना टैडी फट गया है। उसका बड़ा भाई उसको लेके मॉल में जाता है, पर जब वो टैडी के एमआरपी देखता है अपनी छोटी बहन को समझाता है कि बहन ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। एंड भाई ना एक बंदा लॉटरी वाला गेम खेल रहा होता है, तो ट्राई करते हैं कि लॉटरी से क्या पता टैडी निकल जाए, क्योंकि जो लॉटरी की बिगेस्ट प्राइस था वो एक बहुत बड़ा टैडी बियर था। उतुत्सु की वो लॉटरी खेलता है पर कुछ नहीं करता। इतने में उतुत्सु की दोस्त आ जाते हैं, उसका जो दोस्त होता है उसके साथ उसकी बहनें भी होती हैं, वो भी उसको अपनी टिकट दे देती हैं। उसमें से एक में उसकी लॉटरी निकलती है जो एक हेयर क्लिप होती है, एंड वो हेयर क्लिप वो अपनी छोटी बहन के बालों में लगा देता है। उसकी छोटी बहन बहुत खुश होती है कि थैंक यू बड़े भैया आपने मुझे गिफ्ट दिया। देखो यार ये जो एनिमे था इसकी रेटिंग ना 3.2 है, ये वन ऑफ द वर्स्ट रेटेड एनिमे है, एंड लोग यही कहते हैं इसको देख के कि मतलब इसमें क्या है, ये क्या ही बना है। बट जितना मैं इसको समझ पाया हूँ, जितना मैं राइटर को समझ पाया हूँ, ये एक्चुअली एक बहन भाई का प्यार दिखाने की कोशिश करी गई है कि कैसे एक बड़ा भाई अपनी छोटी बहन के लिए जो एक मॉन्स्टर बन चुकी है अपना सैक्रिफाइस देता रहता है एंडलेस। जो भी बड़े भाई होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे वो शायद ये चीज रिलेट कर पाए कि जो बड़े भाई होते हैं वो अपनी छोटी बहन या छोटे भाई से कितना प्यार करते हैं, वो उनके लिए कितना ज्यादा सैक्रिफाइस कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एनिमे उस पॉइंट को रख के बनाया गया है। एंड हाँ, वो जो मारिया का नहाने वाला सीन है एपिसोड 7 में आता है, उसके एक्चुअली दिखा भी रखे हैं, काफी बड़े हैं भाई, 106 के आसपास ही होंगे। और औरतें कहाँ हैं?